बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मेहंदी शेंदी लग रही है क्योंकि ईद है, तो इस वजह से तो कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कुछ फ्रॉक्स लिए अपने लिए और साथ में ट्राउज़र, ये हैं वो फ्रॉक्स, मैं बारी बारी सारी आपको दिखाऊंगी। ये पहली है, ये बहुत अच्छी रह जाती हैं, सिली सिलाई मिल जाती हैं और साथ में आप जीन्स लगा सकते हैं। ऐसे तकरीबन सभी शहरों में मिल जाती हैं ये, और मैं तो हर गर्मियों में ये बहुत घर में पहनने के लिए यही यूज़ करती हूँ। साथ में जीन्स ले ली या टाइट्स या फिर ट्राउज़र ले लिए, ऐसे वो भी रेडीमेड मिल जाते हैं। साथ में दुपट्टा ले लो तो ये बहुत अच्छी रह जाती हैं। ये ब्लू कलर में है, ये तीसरी फ्रॉक है। ऐसे सारी की सारी आपको दिखाऊंगी बारी बारी। और ये है अम्मी के सूट, ये दोनों सूट अम्मी के हैं, उन्होंने भी पहनने के लिए लिए हैं गाड़ी, तो ये अभी स्टिच होने हैं। एक सूट मैंने लिया था, ये जो मैंने पिक्चर साथ अटैच किया है, ये मैंने स्टिच करवा के पहन लिया था और मैं दिखा नहीं सकी, तो इसलिए मैंने पिक्चर साथ अटैच कर दिया। इसका कलर आप देख सकते हैं। और ये दूसरा सूट है, ये जो है ये अभी मैंने लिया है काली, और ये मैं अभी स्टिच होने के लिए देना है, और इंशाल्लाह जब ये स्टिच होकर आएगा तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाला सूट मेरा है, और ये जो साथ वाला है ये मेहरून सा कलर है इसका, ये अम्मी का सूट है, तो अम्मी जान ने भी अभी जो है इसको स्टिच करवाना है। तो जैसे ही दोनों सूट स्टिच होकर आ गए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और साथ में अब मैंने जो जूते लिए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और बेल बनी हुई है साथ उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। शूज़ के बाद आ जाएं मेकअप की तरफ।
मेकअप मैंने लिया है इस बार, थोड़ा सा मैंने मेकअप भी लिया है, और जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये आई शेडो पैलेट है जिसमें बहुत ज़्यादा कलर हैं, और इंशाल्लाह आगे मैं वीडियोस भी बनाकर अपलोड करूंगी। और मेकअप की इसमें मैट कलर भी हैं और जो है वो ग्लिटर में भी है, तो ये बहुत एक अच्छी कलेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। उसके अलावा साथ में पास मिस रोज़ की फाउंडेशन भी है, और ये हाइलाइटर है, मिस रोज़ का कंसीलर है, और ये भी मिस रोज़ की जो है लूज़ पाउडर है, और ये इसकी बेस है, ये भी बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ करके देखी है, मेरी सिस्टर ने तो मत्ती मार दिया है सारे मेरे मेकअप की, उसने सारी चीज़ों को दो तीन बार से भी काफ़ी बार ज़्यादा यूज़ कर चुकी है, अभी कुछ दिन हुए हैं लाए हुए, और उसने हर चीज़ को कितनी बार टेस्ट किया है। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं ईद की तरफ। ईद, उम्मीद है आप सब लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है, और थोड़ा बहुत मैं आपको ईद के भी जो है शॉर्ट्स दिखाती हूँ। ये हमारा है बकरा नहीं, यह छतरा है, छतरा लिया था हमने इस बार, पिछली बार जब से हम कर रहे हैं बकरे कर रहे हैं, इस बार भाई ने ज़िद कर ली कि नहीं हमने छतरा लेना है, तो फिर पापा ने कहा चलो ठीक है, फिर हमने छतरा ले लिया, और ये बहुत होशियार था, ये मेरे पीछे लग गया था, और मैं भाग के सीढ़ियों में जाके बहुत मुश्किल से बची थी, इसको हम छत पे लेके गए थे, इसने मेरे पीछे दौड़ लगा दी और मैं बहुत मुश्किल से बची थी। फिर गोश्त की जो है ईद वाले दिन हमने कुर्बानी वगैरह की, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और अल्लाह का शुक्र है ईद बहुत अच्छी गुजर गई हमारी तो। और साथ में ये मेरी सिस्टर बनाने लगी है कबाब, तो ये सारी चीज़ें वो दिखा रही है जो इंग्रेडिएंट्स हैं। गेस्ट आए थे तो कबाब वो खा गए, और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसकी जो है वो वीडियो बना लूँ। ये मैं खा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसका एक हिस्सा लिया, और अभी फाइनल तो मैंने दिखाया ही नहीं कैसे बने हैं, तो फिर बाद में मैंने ये वाला दिखा दिया जी। तो फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग का हुआ है एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ मैं आऊँगी, और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।